I think I'm losing my mind. Trying to stay inside. सो गाइस अभी के समय में जो है ये वाली रील जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, और अगर गाइस इसके ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं बनाई तो गाइस क्या ही वीडियो बनाई आपने। तो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि आपको कैसे वीडियो बनाना है। यहाँ पे गाइस जो वीडियो है को एडिट करेंगे वो करेंगे हम VN एप्लीकेशन में, ठीक है। तो सभी के पास होगा ये, तो नहीं होगा तो गाइस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद पहले आपको अपनी वीडियो को एंड एक वीडियो को सैंपल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। अब कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। अब देखिए गाइस आपको करना है कि यहाँ पे जैसे आप इनको ऐड कर लोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है वीडियो को पहले जूम करना है, ठीक है, इस तरीके से। और जूम कर लेने के बाद गाइस आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना वीडियो को, ठीक है, जूम जितना रखना चाहो। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे की वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, गाइस यहाँ पे वीडियो का जहाँ पे आप गाइस मूव करने वाले होंगे ना वहाँ पे रख के आपको जो वीडियो को जो सेम साइज़ था, जो मतलब पहले वाला साइज़ था, उसमें कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके सो यहाँ तक इतना हो चुका है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, फिर यहाँ पे प्ले करना है। एंड आपको जहाँ पे आपकी मूवमेंट हो रही होगी, मतलब पहले मैं गाइस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ आपकी मूवमेंट हो रही होगी वहाँ पे आपको करना है क्या, पहले देखिए आपको यहाँ पे चले जाना है यहाँ पे प्लस वाला आइकन में। फिर उसके बाद गाइस आपको ये वाला इफेक्ट यूज़ करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ एक बार ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पहले वीडियो का जहाँ पे आपकी मूवमेंट होने वाली होगी वहाँ तक आपको वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारा इफेक्ट जो बहुत स्लो है, तो यहाँ पे हम इसकी जो टाइमिंग है इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है, अराउंड यहाँ पे 2-3 सेकंड पे कर देंगे, 0.03 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार प्ले करके देखते हैं, तो ये अभी भी थोड़ा स्लो लग रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको मैं 0.2 पे कर दूँगा गाइस, ठीक है। ओके यहाँ तक इतना हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब आपको गाइस यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट करना है एंड यहाँ पे आपको स्पीड में चले जाना है, फिर आपको रेगुलर वाले में चले जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इसका आपको टाइमिंग बढ़ा देना है। ओके गाइस तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने अंडो कर दिया है क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने दूसरी वाली में स्पीड बढ़ा दिया था, तो मैं इसको सेम वहाँ से ही कर लेता हूँ जैसे पहले की तरह। एंड यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि हैंड जो है मेरा पूरा दिख रहा है कि ऊपर रुक गया है, तो इसको थोड़ा और कम कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है, एक बार और प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इतना हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे ऑडियो का ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और ऑडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ऑडियो पर आप डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ से ऑडियो ले लेते हैं एंड यहाँ से सिलेक्ट। अब यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे एंड यहाँ पे काफ़ी एकदम म्यूज़िक के साथ मैच हो चुकी है हमारी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को सेव कर लेंगे। बाकी आज की हमारी वीडियो यहीं देखती है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।